मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास के अंदर हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे और फंक्शन को डिस्कस किया, उसके अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन को हमने भी डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 1.2 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम कर चुके थे। केवल क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा बाकी था, आज हम उसको डिस्कस करेंगे पहले और उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो भी है उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नाइन इज लेट एफ सच दैट एन टेंस टू एन। एफ जो है वो किससे किस में डिफाइन है? n टेंस टू n, n से n में डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है? इट इज डिफाइंड बाय fn इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन टू इफ n इज ऑड एंड इट इज n बाई टू इफ n इज इवन। ऐसा ये आपको दिया है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और आगे लिखा है स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना कि जो फंक्शन आपके पास है वो कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है और बाइजेक्टिव, और आपको इसको अपने आंसर को स्टेट भी करना है, उसका स्टेट वेदर द और सॉरी इसको जस्टिफाई भी करना है। आपको बताना है कि ये जो फंक्शन आपके पास है वो कौन सा है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव कोई भी फंक्शन कब होता है? अगर फंक्शन 1-1 और ऑन 2 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये कौन सा है आपके पास, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ये ऑन 2 है या नहीं। तो कोई भी फंक्शन जो होता है वो ऑन 2 फंक्शन कब होता है ये हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो ऑन 2 केवल तभी होता है जब फंक्शन क्या हो आपके पास, उसका रेंज और उसका कोडोमेन आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो हम हमारा फंक्शन जो है वो किसमें किससे डिफाइंड है, डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो इसका कोडोमेन अगर हम बात करें तो यहां पे मैं एक बार लिखता हूं उसको, इसका कोडोमेन आपके पास जो होगा, कोडोमेन आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है ना, फ्रॉम 1 to infinity है ना, 1, 2, 3, ... बात करते हैं हम क्या इसके रेंज की। तो रेंज आपको अपने आप सोचना पड़ेगा, कैसे? फंक्शन को देखकर हम पता करेंगे इसका रेंज क्या होने वाला है। तो फंक्शन को देखकर कैसे पता करेंगे? आपको पता है यदि n की वैल्यू आपको क्या देनी है, इसमें डोमेन क्या क्या जाएगा, इसका डोमेन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप सारे स्टूडेंट समझते हैं कि सर नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 ...... है ना, ऐसे। तो ये इसके अंदर इनपुट जाएगा और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो देखना जरा, मैं इन इनपुट को रखने पर आपको जो जो आउटपुट मिल रहे हैं एक बार मैं इनको यहां पे लिख रहा हूं। देखना, अगर आप 1 रखेंगे, 1 क्या है, ऑड है, 1 ऑड है, ऑड। पहले तो इस फंक्शन को अच्छे से समझ लो, इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास n की वैल्यू क्या है, एक ऑड नंबर है, n जो है वो ऑड नंबर है, तो आपका फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, n+1/2 के। जब आपके पास n की वैल्यू ऑड है, n अगर ऑड है तो हम फंक्शन को किसके बराबर लेंगे, हम फंक्शन को इक्वल लेंगे n+1/2 के। और इफ n इज इवन, अगर n जो है वो क्या है आपके पास, इवन नंबर है, तो आपका फंक्शन जो है वो हम कौन सा काम में लेने वाले हैं, वो हम n/2। जैसे यहां पर मैं 1 की बात करता हूं, पहले मैं 1 लिया, 1 क्या है, ऑड है, ऑड है तो मेरे लिए ये फंक्शन काम आएगा। तो आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे, 1 + 1, 1 + 1, 2 2 upon 2 आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आपने 1 रखा तो आपको 1 मिला, फिर आप 2 रखेंगे तो आपने 2 रखा तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 odd है, sorry even है, तो हम इसको काम में लेंगे, n की जगह आपने 2 put किया तो 2 upon 2 आपको कितना मिलेगा, 1 तो ऑलरेडी मिल चुका है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ना n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपको ये आएगा, तो कितना, 3 + 1 upon 2, 3 + 1, 4, 4 upon 2, 4 upon 2 is 2। ठीक है, फिर आप क्या रखेंगे, जब आप 4 रखेंगे तो 4 के लिए 4 इवन है तो ये वाला फंक्शन काम आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 4/2 मतलब 2, वापस 2 मिल जाएगा। फिर आप रखेंगे इसके अंदर 5 रखेंगे तो 5 ऑड है तो ये काम आएगा, 5 + 1, 6, 6 upon 2 कितना, 3 है ना। तो आपको समझ में आ रहा है, आपने 5 रखा तो 3 मिल गया। आप क्या रखेंगे, 7 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 रखेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, 9 रखेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 क्या सारी वैल्यूज मिलती जा रही है क्या आपको, ये सारी वैल्यूज आपको मिलती जा रही है। तो हमारे पास क्या है, इसका डोमेन सॉरी इसका कोडोमेन, कोडोमेन कितना था, n था, और रेंज हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो इसका जो रेंज है वो कितना आया आपके पास, 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन, इट मींस n।
है ना, तो आपके पास रेंज भी इसका कितना आ गया, एन आ गया। लिखेंगे कैसे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे फ्रॉम द गिवन फंक्शन, सॉरी द को डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एफ एन इज एन, इज नेचुरल नंबर है ना। और उसके बाद लिखेंगे नाउ है ना, टू फाइंड द रेंज वी पुट एन इक्वल्स टू वन इन द गिवन फंक्शन देन एफ वन इक्वल्स टू वन। या तो पूरा लिखें, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली लिख दें क्या, फ्रॉम द गिवन फंक्शन द रेंज ऑफ, फ्रॉम द गिवन फंक्शन रेंज, रेंज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। आप दो लाइन के अंदर लिखना चाहें आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ये आपके दो नंबर में आता है, टू मार्क्स में आता है, तो आप अगर पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इतना कोई मतलब वाली बात नहीं है, बस आपको उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको बाइजेक्टिव पूछा जा रहा है तो आपका वन मार्क जो कैरी करता है वो करता है वन वन, और वन मार्क कैरी करता है आपका ऑन टू फंक्शन है ना। तो ऑन टू फंक्शन के लिए तो आपको उसका जो कंसेप्चुअली उसके अंदर हमें जो बताना होता है क्या, कि उसका कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल होता है। बस अगर हम ये बता देते हैं और उसका फंक्शन को लिखते हैं तो हमें वन मार्क मिल जाता है, और वन वन के लिए आपको पता है एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, आपको वैसा मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। सुनो जरा, तो आपने कोडोमेन लिख दिया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, फ्रॉम द गिवन फंक्शन एफ एन इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन सो The codomain of the function fn is n. इतना लिख देंगे आप। उसके बाद में आप क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट 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 है ना, और इट मीन्स इट इज इक्वल टू n. और ये आपको सबको समझ में आ गया मैंने कैसे फाइंड आउट किया इसको, तो आपके पास आपको रेंज पता चल गई इसकी और codomain आपको पता है ही, तो आप क्या लिखेंगे, since codomain, since range is equal to codomain, since range is equal to codomain, therefore fn is an onto function, is an onto function, fn is an onto function. Okay, listen, अब क्या करना है, अब आपको बताना है कि आपके पास ये फंक्शन जो है वो वन वन है या नहीं। तो वन वन के लिए आप क्या करते हैं, अगर एक्स की एक अलग वैल्यू के लिए, फंक्शन की अगर एक अलग वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, आपके पास वन वन फंक्शन है। एक्स की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए आपके पास फंक्शन की भी क्या आनी चाहिए, अलग अलग वैल्यू, या एक्स की सेम वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो देखो इसमें अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान दें तो देखो वन वन क्या होता है, वन वन का मतलब होता है कि एक्स के अलग अलग मानों पर आपके पास फंक्शन की भी अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए। एक्स के अलग अलग मानों पे आपके पास एक्स के अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की भी अलग अलग वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। ऐसे देखो जरा है ना, तो आपको ये अब इसके वन वन आपको बताना है, तो फोर वन वन टू चेक वन वन, वन वन के लिए आप क्या करेंगे, आप एक्स की दो अलग अलग वैल्यू लेंगे, क्या वैल्यू लेंगे, या तो आप क्या करेंगे दोनों ऑड लेंगे या फिर दोनों आप क्या कर लेंगे इवन ले लेंगे। एक इवन या किसने क्या है, फंक्शन आपके लिए अलग अलग है, किसके लिए अलग अलग है, ऑड के लिए आपके पास अलग फंक्शन है और इवन के लिए आपके पास क्या है, अलग फंक्शन है। आपके पास ऑड के लिए अलग फंक्शन है और इवन के लिए आपके पास क्या है, अलग अलग फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, वैसे बेटा इसमें थोड़ा सा देखो एक कंसेप्चुअली अगर हम बात करें तो किताब में बाइजेक्टिव बोला है तो हमें बताना पड़ेगा, बात अलग है। बाकी ये फंक्शन जो होगा वो वन वन नहीं होगा, बाकी ये जो फंक्शन होगा वो वन वन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं एक बार आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ, मैं उसका भी सेंस जो बुक वाले का जो सेंस है जिसकी वजह से उसको बाइजेक्टिव बोल रहा है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एग्जैक्टली इसका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो जरा, देखो अगर हम एन की वैल्यू वन लेते हैं एट एन इक्वल्स टू वन, एट एन इक्वल्स टू वन एफ वन, अगर हम एन की वैल्यू वन ले रहे हैं, वन ऑड है और ऑड है तो हम ऑड पर इसकी वैल्यू निकालिए, फंक्शन काम आएगा, तो इसमें आप एन की जगह पे वन रखेंगे तो वन प्लस वन अपॉन टू टू अपॉन टू आपको कितना मिलेगा, वन मिलेगा, वन पर आप वन मिला। अब आप एन की वैल्यू टू रखेंगे, एन की वैल्यू आप टू रखेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ टू, एफ टू की वैल्यू क्या मिली, टू अपॉन टू आपको कितना मिल गया वापस यहाँ पे, वन मिल गया। तो देखो x के n की अलग अलग वैल्यूज पे आपको फंक्शन की एक ही वैल्यू मिल रही है, x के अलग अलग मानों पर आपको फंक्शन का एक ही मान मिल रहा है,
एक्स के दो अलग अलग मानों पर, एक्स की जगह एन आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन के दो अलग अलग मानों पर आपको फंक्शन का एक ही मान मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है वो क्या होता है, मैनीवन होता है। फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, मैनीवन। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे एट, अभी मैं बुक वाला आपको बता दूंगा कैसे उसने किया है, लेकिन होगा यही है ना, जो करेक्ट है वो यही है। n इक्वल्स टू वन पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। n इक्वल्स टू टू पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, एंड आप क्या कर सकते हैं, अगर आप n इक्वल्स टू थ्री लेते हैं तो n इक्वल्स टू थ्री आपने लिया, n इक्वल्स टू थ्री लेने पे आपके फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिली, थ्री। ऑड नंबर है, ऑड है तो इसमें लेंगे थ्री प्लस वन फोर, फोर अपॉन टू इट इज टू, फोर अपॉन टू इट इज टू। और फिर आप अगर n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, n की वैल्यू 4 लेंगे तो f4, 4 इवन है, और इवन है तो आपकी ये फंक्शन काम आएगा 4 अपॉन 2, आपको क्या मिल रहा है 2। तो देखो n की अलग अलग वैल्यूज आपके पास है लेकिन उस पर फंक्शन की एक ही वैल्यू मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है, मैनीवन है। दस दस एफ एन इस मैनीवन फंक्शन, इस मैनीवन फंक्शन। लेकिन बुक ने आपको कहा है कि आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो फंक्शन है वो आपका कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। आपको ये बताना है कि फंक्शन जो कौन सा है, बाइजेक्टिव है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि बुक ने किसके अकॉर्डिंग सोच रखा है, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, है ना। तो उसने क्या किया है, उसने पहले दोनों ऑड नंबर अलग से लिए हैं, फंक्शन को ऑड के लिए अलग से डिफाइन किया है और इवन के लिए फंक्शन को अलग डिफाइन किया है। लेकिन फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन एक है, उसको अलग अलग टाइप से डिफाइन कर रखा है, लेकिन एन की वैल्यू, डोमेन क्या है आपके पास, वन टू थ्री फोर फाइव, तो आपको पूरे डोमेन में उसको देखना होता है ना, इसलिए ये होगा। लेकिन बुक की अप्रोच क्या है, मैं बुक वाली अप्रोच आपको एक बार बता देता हूँ, जो बुक वाला सोच के ये बोल रहा है। वैसे तो कहीं ना कहीं फिर या तो इसके फंक्शन में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है ना। बुक वाले की अप्रोच क्या है उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसने क्या कहा है, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, उसने क्या किया, सबसे पहले n को क्या ले लिया, ऑड ले लिया, देन लेट एफ एन वन, एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, एफ एन वन इज इक्वल टू एफ, जैसे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेते थे, लेकिन यहां पे n है तो एफ एन वन इक्वल टू एफ एन टू। एफ एन वन की जगह एफ एन ऑड है ना, तो ऑड है तो ये वाला फंक्शन काम आएगा। एफ एन इसके बराबर, तो एफ एन वन किसके बराबर, एन की जगह बस एन वन लिख देंगे तो ये हो जाएगा एन वन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू एफ एन टू, मतलब एन की जगह आप एन टू लिख देंगे तो एन टू प्लस वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एन वन प्लस वन इज इक्वल टू एन टू प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट एन वन इक्वल्स टू एन टू। सिंस एफ एन वन इक्वल्स टू एफ एन टू, दिस इंप्लाइज एन वन इक्वल्स टू एन एन टू, देन वी विल से द फंक्शन इज एन वन वन फंक्शन, है ना। और ये तो मैंने किस पहली कंडीशन कौन सी ले ली, केवल ऑड के लिए। अब ऐसे ही केस सेकंड, हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। क्या केस सेकंड हम ऐसे डिस्कस कर लेंगे, कैसे डिस्कस कर लेंगे, इफ इफ एन इज अ इवन नंबर, इफ एन इज अ इवन नंबर, If n is an even number, even number है तो then let fn1 is equal to fn2, fn1 is equal to fn2, fn1 इस बार n even है, even है तो हम ये वाला function काम में लेंगे, और n1 fn बराबर है n by 2 के, तो fn1 किसके बराबर हो जाएगा, n1 by 2 के, और यहाँ पे fn2 किसके बराबर हो जाएगा, एन टू बाई टू। किसका सॉल्व करेंगे, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसके बाद में, हमें मिल जाएगा एन वन इक्वल्स टू एन टू। तो देखो जरा ऑड के कनेक्शन, ऑड नंबर अगर हम ले रहे हैं फिर भी क्या आ रहा है, एन वन इक्वल्स टू एन टू आ रहा है, और यदि हम इवन नंबर ले रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से क्या आ रहा है, एन वन इक्वल्स टू एन टू आ रहा है। तो इस सिचुएशन में उसने दोनों को अलग अलग कैसे डिफाइन करके, ऑड और इवन को अलग अलग डिफाइन करके उसने क्या कह दिया है आपको, कि ये वन वन फंक्शन है, बाइजेक्टिव है। लेकिन अगर देखो, अब आप पूछेंगे सर हमें कौन सा करना है, हम कौन सा करें, तो देखो अगर आपको कॉशन ये बोल दे कि आपको चेक ऐसे बोल दे कि हाँ कि आपको प्रूफ करना है कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो मतलब वन वन तो होगा वो, ऑन टू भी होगा, तब तो आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना, ये वाला करना है तब ये करना है। लेकिन आपको बस ऐसा ही दे रखा हो, चेक चेक द फंक्शन
f फ्रॉम n टू n, fn इज डिस्क्राइब बाय दिस, डिफाइंड बाय फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, है ना। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इज बाइजेक्टिव और नॉट, है ना, आपको बताना कि बाइजेक्टिव है या नहीं, तब आप ये करेंगे। मेरी बात समझ गए? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑन टू तो होगा ही, हमेशा हर कंडीशन में ऑन टू होगा। बात आई वन वन की, तो वन वन के लिए अगर चेक करना हो तब तो ऐसे करेंगे, और यदि प्रूव करना हो तब ऐसे करके उसको छोड़ देंगे। मेरी बात आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, है ना, तो यहाँ पे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, ये आपके पास हम डिस्कस कर चुके हैं किसको, बाइजेक्टिव फंक्शन, और एक्सरसाइज 1.2 हम पूरा क्लियर कर चुके हैं कि 1.2 हमारे पास एक्सरसाइज में क्या क्या कुछ कैसे होने वाला है। ओके ओके, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट जो 1.1 में मैंने आपको फंक्शन पहले पढ़ा दिया, क्यों पढ़ा दिया फंक्शन को पहले, क्योंकि मैं आपके साथ डोमेन, को डोमेन, रेंज, इनको डिस्कस कर रहा था, और वो इससे कनेक्टेड कौन थे, इससे कनेक्टेड आपके पास रेंज ही था, सॉरी फंक्शन ही था, तो मैंने पहले फंक्शन पढ़ा दिया। अब बात करते हैं रिलेशन की, पहले रिलेशन पहले आता है और उसके बाद में आपके पास क्या आता है, फंक्शन आता है। ये मैथ्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेट्स, जब 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, सेट्स के बाद में हम पढ़ते हैं कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद पढ़ते हैं कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, एंड कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के बाद में हमें क्या पढ़ना होता है, हमें रिलेशन पढ़ना होता है, और रिलेशन के बाद में टाइप्स ऑफ रिलेशंस, वो इसका सब पार्ट ही मान लेते हैं, टाइप्स, है ना, रिलेशन, फिर उसके टाइप्स, और फिर हम पढ़ते हैं फंक्शन, जब डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन। फंक्शन पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, है ना, ये सब ये क्या है आपके पास, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसके बाद में हमें क्या पढ़ना होता है, हमें बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना होता है, जो हमारे पास 1.3 से पहले हमें पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे कुछ एक्जियम्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, बहुत आसान है, मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ये हमें वन बाय वन सब डिस्कस करना होता है, सेट्स को, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन को, और रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एंड बाइनरी ऑपरेशंस। ये सब पांच चीजें हैं जो हमें पहले चैप्टर के अंदर पढ़नी है। सेट्स तो आप 11th क्लास में डिस्कस करके आए हैं, तो मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे वापस एक बार आपको बताऊंगा क्या है। कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में रिलेशन तो हमें पढ़ना ही है पूरा, तो रिलेशन हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, और फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, और फिर लास्ट में हमें जो पढ़ना होगा वो कौन सा पढ़ना होगा आपके पास, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेट्स, है ना, सेट्स जो होता है वो आपके पास क्या होता है उसका आप सुने। देखो सेट्स का मतलब होता क्या है, सेट वैसे कोई ऐसे कोई मैथमेटिकली इतना कोई वो कंसेप्ट नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है कि नहीं, रामायण जो है हमारा, है ना, उस रामायण में आपको क्या करना है, कोई भी पांच कैरेक्टर्स के आपको नाम लिखने हैं, रामायण जो हमारा है ना स्क्रिप्चर है, उसके हमें क्या करना है, उसके कोई भी पांच कैरेक्टर के नाम हमें लिखने हैं, तो हम वहां पे पांच कैरेक्टर के नाम कैसे लिखेंगे, लॉर्ड रामा, है ना, लॉर्ड लक्ष्मण, एंड रावण, ऐसा कर देना, आपको पांच कैरेक्टर लिखने हैं, तो आप कौन कौन से लिखेंगे, राम, सीता, लक्ष्मण, या ये भी नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, राजा दशरथ, कि वहीं से हुआ था ये, है ना, राजा दशरथ, फिर लॉर्ड राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको रामायण स्क्रिप्चर के आपको क्या करना है, कोई भी पांच कैरेक्टर के नाम लिखने, आप और भी कुछ लिख सकते हैं इसमें, मेघनाथ, है ना, अपने अपने हिसाब से लिखो या, है मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप कोई भी पांच क्या करेंगे, कोई भी पांच कैरेक्टर जो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनके नाम लिख लेंगे। तो अब या तो नाम आप ऐसे लिखेंगे कि ऐसे, है ना, लिस्ट फॉर्म में बीच में कॉमा लगाकर, या फिर आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे राजा दशरथ, लॉर्ड रामा,
है ना, माता सीता कुछ भी, मतलब हम ऐसे या तो ऐसे लिखेंगे लिस्टेड कर ऐसे करके, और या फिर हम ऐसे लिखेंगे। तो बस यही यही ऐसे लिख देना ही, जो जनरली हम लाइफ में यूज लेते ही हैं। बस साइंस वाले स्टूडेंट्स को जो सेट्स पढ़ लेंगे उनको पता रहेगा कि इनको हम सेट्स बोलते हैं, और जो दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है या जो इलिटरेट है जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है ना, मतलब उनको केवल बस लिखना वगैरह आ गया है नॉर्मल सा, लेकिन उनको कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं है, जो फिफ्थ पास है या एट्थ पास है, टेंथ पास है, जो कोई भी जिनका कभी सेट से कोई काम ही नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी उनको सेट्स आता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी के, अगर मैंने आपको मान लो ग्रॉसरी शॉप पे जाके अगर मुझे किसी को लिस्ट देनी है किसी भी 5 आइटम्स की, तब भी आप ऐसे लिख के देंगे उसको, ऐसे लिख के दे देंगे या लिस्टेड फॉर्म में लिख के दे देंगे, है ना। आपके घर के मेंबर्स आपको लिखने हैं तब भी आप ऐसे कॉमा लगा कर लिख सकते हैं। तो ये सब ऐसे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं है ना, उनको ऐसे कॉमा लगा कर लिख देना ही, वही आपके पास क्या होता है, सेट्स होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ठीक है, एक अच्छी डेफिनेशन है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ हम एग्जैक्टली कवर नहीं कर सकते। बस आप ध्यान देना कि क्या है, अगर हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसका हमें पता है, सबसे पहली बात कि एक तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा अगर हमें उनके बारे में एग्जैक्टली पता है तो हम क्या कहते हैं, उनको ऐसे लिस्ट फॉर्म में लिख देना और कर्ली ब्रेकेट के अंदर लिख देना, वो आपके पास क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। जैसे मैं को टॉप 10 बैट्समैन ऑफ ऑफ टूडेज सॉरी टॉप 10 बैट्समैन ऑफ क्रिकेट आपको ऐसे बोल दिया जाए, तो टॉप 10 बैट्समैन आप एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या? मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें उनके बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए, और फिर उनको ऐसे लिख दो तो वो आपके पास क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो टॉप 10 बैट्समैन किसी एक टाइम पे सुनील गावस्कर, कपिल देव, ये अच्छे क्रिकेटर्स हुआ करते थे। उसके बाद में आपने देखा था कि इंडिया के अंदर हम बात करें तो राहुल द्रविड़ है ना, आपके भी वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर है ना, युवराज सिंह, ये अच्छे बैट्समैन हुए थे। उसके बाद में आज ये ट्रेंड थोड़ा और बदल चुका है, यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली है ना, केएल राहुल, ये ऐसे बहुत सारे जो बैट्समैन है जो अब अच्छा खेल रहे हैं, और इन फ्यूचर कोई दूसरे बैट्समैन आ जाएंगे जो और अच्छा खेले। एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि टॉप 10 बैट्समैन हैं कौन, नहीं बता सकते, वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं अ प्राइम नंबर लेस देन 10, अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो कोई भी प्राइम जो 10 से छोटा एक प्राइम नंबर आप सबको पता है, वो सबके लिए वही है, वो किसी और अगर कोई दूसरा भी बोलेगा तब भी उसके लिए वही है, कोई तीसरा बोलेगा तब भी वही है, कोई अमेरिका में बोलेगा उसके लिए भी वही है। अन प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 10 से लेस प्राइम नंबर कौन सा होता है आपके पास, लिस्ट प्राइम नंबर इज 2, 2, 3, 5, 7, 9, अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ये आपने इसको ऐसे लिख दिया और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो आपके पास वो क्या हो जाता है, सेट्स हो जाता है। मैं इतना ज्यादा वैसा नहीं बता रहा कि मैथमेटिकली हमें कुछ बताने की जरूरत हो, हाँ मैथमेटिकली बताने से कोई मतलब नहीं है, है ना। बस आपने कहीं पे जैसे मान लो आपके पास सीपीयू पड़े हैं, 5 सीपीयू है, आपने 5 सीपीयू को ऐसे 1 बाय 1 लिख दिया, रख दिया है ना, तो वो भी क्या बन गया, सेट बन गया है ना। बस वो डिफाइन हो जाए, डिफाइन मतलब हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम बात किसके कर रहे हैं। हम बोल देते जैसे आपके पास नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास जो रिवर है उनको लिखना है तो हम बता सकते कौन सी है, हमारे साउथ में जो जो रिवर हमारे पास जो फ्लो करती है हमें उनके बारे में लिखना हो, या तो जिनके बारे में हमें एग्जैक्टली पता है ना। जैसे आपके पिताजी के भाई जो हैं उनके नाम क्या क्या है, आपके पिताजी और कितने भाई उनके बारे में एग्जैक्टली पता है तो आप उनको अच्छे से लिख सकते हैं। तो जिनके बारे में हम एग्जैक्टली अच्छे से लिख सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है, सेट होता है। या इसको और हम और आसान करना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी को हम कर्ली ब्रेकेट में लिख पा रहे हैं, अगर हमने किसी को भी कर्ली ब्रेकेट में लिख दिया, कर्ली ब्रेकेट में हमने किसी को भी लिख दिया, वो क्या बन जाता है आपके पास, सेट। अगर कुछ कर्ली ब्रेकेट में लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ तभी है जब वो वेल डिफाइंड है। तो कर्ली ब्रेकेट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप कहते हैं कि आपका वो जो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने जो लिखा है वो सब क्या है, एक सेट है। वो किसको शो कर रहा है, वो एक सेट को बता रहा है, और सेट के अंदर जो लिखे होते हैं जैसे ये 1, 2, 5, 9 ऐसा, ये जो सेट के अंदर जो लिखे होते हैं उनको क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट्स है ना, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सेट के क्या है, एलिमेंट्स है, और इनको डिनोट कैसे करते हैं, इनको इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए स्मॉल बी, इनसे हम क्या करते हैं, इनको डिनोट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, और खुद कर्ली सॉरी सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। तो मैंने क्या कहा, कर्ली ब्रेकेट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो पहली बात तो वो सेट है, सेट को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से। उसके अंदर सेट के अंदर जो लिखे हुए हैं ये
इनको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये सब क्या है, सेट के एलिमेंट आपके पास हैं, इनको हम सेट के एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मोस्टली हमारे हमने कवर कर लिया सेट होता क्या है। अब क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन हम दो प्रकार से करेंगे, कौन कौन सा, एक तो हम करेंगे सेट सॉरी टेब्यूलर या फिर बोलते हैं रोस्टर। जब 11th क्लास में पढ़ के आए इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, टाइम काफी लग जाएगा। एक तो रोस्टर है जिसे हम टेब्यूलर बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास सेट बिल्डर प्रोसेस, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड रिप्रेजेंटेशन है ये। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉरी मेथड आई मीन है ना, इसमें हम क्या करते हैं रोस्टर में, इसमें 1 2 3 ऐसा लिखते हैं, और इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं एक्स से, एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू समथिंग, ऐसा कुछ भी हो, जो भी आगे जो भी रूल होगा वो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आप 11th क्लास में पढ़ गया है तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि मतलब वाली बात नहीं है। ये तो क्या हमारे पास क्या सेट, ये तो क्या हो गया सेट। उसके यानी पढ़ते हैं कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन की, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन क्या होता है हम इसको डिस्कस करते हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन की, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन क्या होता है उसको सुनो। देखो सेट ए से, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने टाइप से रिएक्ट कर सकते हैं, जितने टाइप जितने पॉसिबल टाइप है ना, जितने पॉसिबल है ना टाइप है, उसके अगर वो कनेक्ट कर सकता है तो उसको हम कहें कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लो यहां पर एक सेट लिखा है एंड हुज एलिमेंट्स आर 1, 2, एंड यहां पर दूसरा सेट लिखा है सेट बी, और इसके एलिमेंट्स क्या है a, b, c। ऐसे एक सेट ए लिखा है जिसके एलिमेंट्स है कंटेनिंग टू एलिमेंट्स 1, 2 एंड सेट बी कंटेंस 3 एलिमेंट्स a, b, c। आपको क्या करना है, ए से बी में कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करना है ए क्रॉस बी। यहां पर क्रॉस का मल्टा मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या एक नोटेशन है, किसका नोटेशन है कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन का, बस एक नोटेशन है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या होता है, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है आपके पास सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने पॉसिबल टाइप से क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। कैसे, इधर देखो, इधर बताता हूं आपको। ये मान लेते हैं सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें दो एलिमेंट है 1, 2 और इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी। तो मुझे पता 1 जो है वो किस किस से रिएक्ट कर सकता है, 1 जो है वो ए से भी कनेक्ट कर सकता है, 1 जो है वो बी से भी रिएक्ट कर सकता है, 1 जो है वो सी से भी रिएक्ट। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे मान लो दो जने खड़े, एक तो मैं खड़ा हूं, मेरे बगल में एक दूसरे टीचर खड़े या कोई भी खड़े हैं, है ना, मेरे पास में एक और खड़े, सामने 3 जने बैठे हैं, तो मैं जो हूं मैं किस किस को देख सकता हूँ, ये भी एक रिएक्शन है। तो मैं पहले पर्सन को देख सकता हूँ, दूसरे पर्सन को भी देख सकता हूँ, तीसरे पर्सन को, तो ये और ये ऐसे पॉसिबल। ये दूसरा वाला जो पर्सन मेरे पास में खड़ा है ये किस किस को देख सकता है, ये पहले वाले को भी, दूसरे वालों को भी और तीसरे वाले को भी। मेरी बात समझ रहे, जो भी पॉसिबल हमारे पास रिएक्शन हो सकती है उन सबको हम लिख लेते हैं। तो 1 ए से भी कनेक्ट हो सकता है, 1 बी से भी, 1 सी से। ऐसे 2 जो है वो 2 ए से भी कनेक्ट हो सकता है, 2 बी से भी कनेक्ट हो सकता है, और 2 जो है वो सी से भी कनेक्ट हो सकता है। बस यही क्या है, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन। कुछ खास नहीं, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है। कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन का मतलब बस इतना सा है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने पॉसिबल आउटकम्स बना सकते हैं, है ना, वही आपके पास क्या होता है, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन, 1 किस किस का रिएक्ट कर सकता है, 1 ए के साथ रिएक्ट कर सकता है, 1 जो है वो बी के साथ रिएक्ट कर सकता है, और 1 जो है वो सी के साथ कोई ना कोई रिएक्शन कर सकता है। वैसे 2 जो है वो 2 किसके साथ रिएक्ट कर, 2 ए के साथ रिएक्ट कर लेगा, या 2 बी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और 2 जो है वो सी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। 1 ए के साथ, 1 बी के साथ, 1 सी के साथ, 2 ए के साथ, 2 बी के साथ, 2 सी के साथ। देखो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, 2, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो हम क्या लिखेंगे, एन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स के की संख्या आपके पास कितनी होगी, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स आपके पास है, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट आपके पास है, तो आपके पास ए क्रॉस बी में कितने होने चाहिए, 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, जो हमारे पास सामने है, 1 ये 1 2 3 4 5 और 6।
क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? तो ये आपके पास क्या हो गया, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन को समझने में। अब बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और लेके चलेंगे, दैट इज सबसेट। वो भी आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, है ना, लेकिन एक बार मैं वापस से आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। सबसेट, सबसेट क्या होता है उसको आप देखें। सबसेट, सबसेट, तो सबसेट को आप कैसे बताएंगे, बहुत इजी है। एक सेट आपके पास है, जैसे मान लो एक सेट आपके पास लिखा ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, आपको कहा इसके सबसेट्स बनाओ, इसके सबसेट। तो इसके सबसेट कैसे बनेंगे, सबसेट होता क्या है, सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर, सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर, है ना, आप अगर एक नया सेट बना दें, सेट के कुछ एलिमेंट को लेकर आप अगर एक नया घर बना दे, सॉरी एक नया सेट बना दे। जैसे मान लो किसी घर के अंदर 5 जने रहते हैं, किसी घर के अंदर 5 जने रहते हैं, अब आप एक सबके लिए अलग अलग घर बनाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, उनमें से 2 मेंबर को लेके आए और उनके लिए अलग घर बना दिया। तो क्या किया मैंने, उस एक सेट में से कुछ एलिमेंट को लिया और उसका एक नया सेट बना दिया, तो वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास उसका सबसेट होगा। जैसे यहां पर है, इस घर के अंदर 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसमें से कुछ अवयवों को लेकर हमें नया एलिमेंट, नया सेट बनाना है। तो मुझे बताओ 3 एलिमेंट्स में से मैं क्या क्या ले सकता हूं, या तो मैं एक भी एलिमेंट ना लूं, है ना, या तो मैंने क्या किया एक भी एलिमेंट नहीं लिया, तो आपके पास क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसे अगर मैंने एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ओके। या मैं एक एक एलिमेंट लूं, अगर एक एक एलिमेंट लूंगा तो किस किस को लूंगा, या तो मैं 1 को ले सकता हूं, है ना, 2 को ले सकता, केवल 2 को ले सकता हूं, केवल 3 को ले सकता हूं, ठीक है, या तो एक भी एलिमेंट नहीं लिया, या एक एक एलिमेंट लिया, या दो दो एलिमेंट लिए। दो दो एलिमेंट कौन से, 1, 2 ले सकता हूं, 1, 3 ले सकता हूं, या 2, 3 ले सकता हूं, फिर या फिर तीनों के तीनों एलिमेंट्स ले सकता हूं। तीनों के तीनों एलिमेंट मतलब 1, 2 और 3। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। सबसेट क्या है, इसके कुछ अवयवों को लेकर, इसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर अगर मैं एक नया सेट बना देता हूं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन है, या देखो नल सेट, ये सब क्या बोलते हैं, नल सेट, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है और वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। और अ सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक सेट जो होता है वो हमेशा खुद का भी क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो ध्यान से देखना, 3 एलिमेंट है तो क्या क्या होगा, या तो एक भी एलिमेंट नहीं लिया, या एक एक एलिमेंट लेकर, या दो दो एलिमेंट लेकर, या तीनों के तीनों एलिमेंट लेकर। अगर किसी में 2 एलिमेंट हुए, जैसे एक सेट बी लिखा है a, b, इसमें अगर 2 एलिमेंट्स हुए तो इसके सबसेट पूछ रहे, तो क्या करें, या तो एक भी नहीं लिया तो नल सेट, या फिर एक एलिमेंट ले लिया, एक एक एलिमेंट ले लिया, या फिर दोनों के दोनों ले लिए। तो ये इसके क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ये क्या होता है, इसके सबसेट। आई थिंक स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि सबसेट होते क्या हैं, ठीक है, ओके। अब सुनो जरा, अब इसको हम हमारे लिए डिफाइन करते हैं, सुनो जरा, सुनो। देखो क्या है कि हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, हम पढ़ चुके हैं कि सेट क्या होता है, उसके अंदर कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन ये हम पढ़ चुके हैं। फिर रिलेशन में ध्यान दो क्या होता है। अब एक बार आप जरा यहां पर देखें, ये भी एक सेट है ना, ये भी एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कॉमा लगा देता हूं, ऐसे कितने एलिमेंट्स आपके सामने है ना, 6 एलिमेंट्स आ गया। कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं आपको पूछूं, इसके सबसेट बनाओ, इसके सबसेट आप क्या करेंगे, सर इसके कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बना दो, तो क्या क्या ले सकता हूं, या तो मैं एक भी एलिमेंट नहीं लूं, एक भी एलिमेंट नहीं लूं मतलब नल सेट, या एक एक एलिमेंट लूं, एक एक मतलब, या तो ये ले लूं, या एस ये ले लूं, ऐसे 1, c, ऐसे 1, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, फिर 2-2 एलिमेंट वाले, फिर 3-3 एलिमेंट वाले, 4-4 एलिमेंट वाले, 5-5 एलिमेंट वाले, और 6-6 एलिमेंट वाला, ये क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे। तो बेटा रिलेशन क्या होता है, बस ये समझाने के लिए मैंने ये सब बताया आपको। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, किसी भी कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन,
किसी भी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के जो सबसेट होते हैं, जिनको कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन में से निकाला जाता है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन का जो सबसेट होता है उसी सबसेट को हम क्या कहते हैं हमारे पास, उसको हम कहते हैं रिलेशन कहते हैं। तो आपको पूछ ले कि, वैसे मैं भी आपको और बताऊंगा इसके दूसरे डेफिनेशन और है जो हमें पढ़नी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि रिलेशन होता क्या है। तो हम क्या कहेंगे, कोई भी कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन आपके पास है उसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो सबसेट आपके क्या होंगे, उसके रिलेशन होंगे। तो आपको पूछ ले कि रिलेशन क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के जो सबसेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं आपके पास रिलेशन कहते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, कि जितने सबसेट्स होंगे उतने क्या बनेंगे, रिलेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 to the power n, नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास कितने होते हैं 2 to the power n। जैसे यहां पर देखो इनमें टोटल कितने एलिमेंट्स थे, है ना, देखो 2 ये और 3, टोटल 6 एलिमेंट्स है, 2 into 3 क्रॉस कर रहे थे, 2 into 3 6 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आए, इसके नंबर ऑफ सबसेट इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 to the power 6, कितने बनेंगे 2 to the power 6। अगर इसमें 5 एलिमेंट होते तो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते, 2 to the power 5। अगर इसमें 7 एलिमेंट होते तो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते, 2 to the power 7। और जितने सबसेट्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, रिलेशन होते। क्यों, क्योंकि सबसेट जो होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, रिलेशन बोला जाता है। तो आपको पूछ ले कि इससे बनने इतने, इसके जो पॉसिबल जितने भी पॉसिबल है वो सारे पॉसिबल आपके पास इसके जो रिलेशन बनेंगे वो कितने होंगे, तो आप क्या बताएंगे कि सर टोटल पॉसिबल रिलेशन मीन्स टोटल पॉसिबल सबसेट्स, तो टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 to the power n, 2 to the power n मतलब 2 to the power 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है ना फ्रॉम ए टू बी आर 2 to the power 6, इट मींस इट इज 64, है ना, कितने हो जाएंगे आपके पास 64, 64 आपके पास क्या हो जाएंगे इसके इसके रिलेशंस आपके पास बनेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, आप ये मत सोचना कि सर अभी हमें समझ में नहीं आया, बस एक छोटी सी बात आपको दिमाग में आनी चाहिए और वो आई थिंक मैं समझता हूं कि आपको सबको आ गई होगी, क्या कि जो कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन होता है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन मतलब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से जितने प्रकार से रिएक्ट कर सकते हैं, जितने प्रकार से उन्होंने रिएक्ट कर लिया, जो करना था उन्होंने कर लिया, अब जो आया है उसके जितने सबसेट बनेंगे उन सब सबसेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। उन सब सबसेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। रिलेशन के हम एक दूसरे डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के अंदर, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के एलिमेंट्स के अंदर अगर कोई फिक्स रूल डिफाइन हो जाए, है ना, एक स्टैंडर्ड रूल अगर डिफाइन है उन दोनों के बीच में, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, एक रिलेशन। ये डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा वरना आपकी बुक में मिल जाएगी, इसलिए मैं इसको, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी फीलिंग क्या है, उसका मतलब क्या, वो बोलना क्या चाह रहा है। तो रिलेशन देखो, इसको मैं और तरीके से बताता हूं। जैसे मान लो कि अभी मैंने जैसे कहा कि यहां पर एक नई स्लाइड लेते हैं, उसमें देखते हैं, है ना, सुनो, जैसे मान लो यहां पर क्या है, मिस्टर ए और यहां पर मिस्टर बी, मिस्टर ए मिस्टर बी, और यहां पर भी क्या है, मिसिज ए, मिसिज यानी ये मिसिज है कोई भी गंदे सी, हाँ, स्ट्रेट करवा के आइए, ब्यूटी पार्लर जाके आइए, इसलिए है ना ऐसा हो रखे हैं। इसने कलर भी करवाया है, ऐसा, ठीक है, ये आपके पास क्या है, नेमिंग भी कर देते हैं इनकी, ए दिखेगा नहीं, तो कलर लेते हैं ऑरेंज, ये ए बी, इसको नाम देते हैं सी डी और ई, ये मैं ऐसे बता रहा हूं, ऐसे भी समझना नहीं है, ऐसे नॉर्मली, ये कोई भी हमारे पास 2 पर्सन यहां पे और तीन लड़के मान लेते हैं, ये 2 लड़के हैं, ये 3 लड़के हैं, ठीक है, ओके। अब क्या है, सबसे पहले बात करते हैं, ये पहला एक सेट है, यहां पर 2 लड़के हैं ना, तो इसको हमने ऐसे लिखा है, तो ये क्या हो गया, ये पहला सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, कौन कौन से, ए और बी, और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, सी डी और ई, आप स्मॉल लिख सकते हैं इनको, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, आप स्मॉल लिख दें, ऐसे हम स्मॉल लिख देते हैं इनको, लिखना चाह रहा हूं, ओके,
कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। तो ये आपके पास हो जाते हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई। तो आपके पास जो पहला वाला है, ये पहला सेट है जिसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए और बी। जो दूसरा सेट है उसके अंदर तीन एलिमेंट है, सी, डी और ए। अब ये तो क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, दो। और ये भी क्या है, अपने आप में एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तीन। अब क्या है कि इस सेट के एलिमेंट इसके सेट के एलिमेंट को देख रहे हैं। ये तो सेट है, ये भी सेट, ये भी सेट। अब ये किस किस को देख सकेगा? ये इसको भी देख सकेगा, 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 ये इसको भी देख सकेगा। तो ये क्या है, ये कार्टेशियन मल्टीप्ले। सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जितने पॉसिबल आउटकम्स दे सकते हैं वो सब क्या होते हैं, कार्टेशियन मल्टीप्ले। अभी मैंने बताया तो कार्टेशियन मल्टीप्ले क्या आ जाएगा, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, बी कॉमा सी, बी कॉमा डी, बी कॉमा ई। ये क्या आ जाएगा आपके पास, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन। देखो मान लो कि ये इनको देख रहे हैं, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, है ना। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये लड़का, ये लड़के इनको देख रहे हैं और ये लड़का भी किस किस को देख सकता है, इस लड़की को भी देख सकता है, इसको भी देख सकता है, इसको भी देख सकता है। अभी तो बस देखा दाखी हो रही है, बस देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो वो क्या है, जो केवल देखना कि पहला वाला लड़का किस किस को देख सकता है, पहली लड़की को भी, दूसरी को भी, तीसरी को भी। तो जो देखना है वो देखना तो क्या, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन। लेकिन देखने से मान लो कोई बात बन गई, अगर देखने से कोई बात बन गई तो अब उनके बीच में क्या एक रूल डिफाइन हो जाएगा कि जैसे मान लो कि हो सकता है कि ये जो है ना इनकी चाची जी हो, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये इनकी क्या है, चाची जी है। तो पहले ये देख रहे हैं कि हाँ ये मेरी चाची है, ये है, या इन तीनों में से कोई भी हो सकती थी, इसकी चाची ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी, इसकी भी ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, है ना, आंट। तो देखो अब क्या है कि हो सकता है कि अभी तो ये केवल देख रहे थे कि ये वाली या ये वाली देख रहे थे, तो वो तो क्या था, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके देखने के, वो तो क्या था, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जब उसने एक रूल डिफाइन हो जाए, जब उन्होंने देखा और पहचान लिया कि हाँ ये है मेरी वाली चाची, है ना, कि ये है मेरी वाली, है ना, अगर ऐसे पहचान लिया हो तो क्या है, अगर अब उनके बीच में क्या हो गया, एक रूल डिफाइन हो गया। अब एक रूल डिफाइन हो गया कि उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि वो क्या है, चाची और भतीजा है। अब उनके बीच में क्या हो गया, एक रिलेशन डिफाइन हो गया, नेफ्यू एंड आंट है वो। तो उनके बीच में जो रूल डिफाइन हो गया, उसी रूल को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, उसी रूल को क्या बोलते हैं। अब एक रूल डिफाइन है, मेरी बात को सुनो, देखो चारों पांच चीजों हम एक साथ पढ़ रहे हैं, सेट, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट तो क्या हो गया, ये दो एलिमेंट है तो सेट हो गए। अब इसके एलिमेंट को देख रहे हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं वो क्या हो गया आपके पास, कार्टेशियन मल्टीप्लीकेशन। अब उनके अंदर एक रूल डिफाइन हो गया, रूल डिफाइन क्या हो गया, ये इसके साथ है ना, और इसकी चाची मान लो ये है, एक रूल डिफाइन हो गया कि ये क्या है, नेफ्यू एंड आंट है ना, चाचा चाची और भतीजे हैं। तो अब ये जो रूल डिफाइन हुआ है, उस रूल डिफाइन को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। अब उस रिलेशन का कोई आउटपुट आ रहा है, जैसे मान लो कि क्या है कि ये वो उसका क्या है, भतीजा है, भतीजा तो क्या करेगी, मान लो चाची जी ने उनको 500 रुपए दिए, वो एक रूल डिफाइन था, तो उस रूल डिफाइन होने से उनको कुछ मिला, कुछ आउटपुट मिला, है ना। तो जब किसी रूल का कोई आउटपुट मिलता है, एक डिफाइंड आउटपुट मिलता है, तो वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है, वो क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं, डेफिनेशन क्या थी आपके पास फंक्शन की, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब मैं कहूं कि उधर इनकी चाचियां हैं, तो अब यहां पर दो तो खड़े, एक ऐसे मुंह ताक रहे, एक को 500 रुपए मिले ही नहीं, दो है, तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ। कि फंक्शन तो क्या था कि सबको फंक्शन है, मतलब 500-500 रुपए मिले हैं, लेकिन इसके बेचारे कोई चाची नहीं है उनमें से, तो इसको 500 रुपए मिले ही नहीं। तो क्या ये इससे उसके अंदर जो ए से बी में जो डिफाइन होना था, क्या वो डिफाइन हो पाया, क्या नहीं हो पाया, तो वहां पर वो फंक्शन नहीं बन, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना। लेकिन एक को दो से पैसे नहीं मिल सकते, एक को एक से, किसी के साथ वो नहीं होना चाहिए कि हाँ किसी के दो चाचियां हैं तो उसको 1000 मिल जाए, किसी के एक है तो उसको 500 ही मिले, ऐसे नहीं है, तो सबके पास बराबर, अगर दो है तो मिलके 250-250 दे, लेकिन देने कितने हैं, 500 ही देने। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली कनेक्टेड। एक चाची के दो भतीजे हो सकते हैं कि दो भतीजे, दो की एक ही चाची थे, इसको भी 500 दिए, इसको भी 500 दिए, मेरी बात समझे ना। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है कि रिलेशन क्या होता है, अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किसी एक
फिक्स रूल जो है उसके अंडर में अगर डिफाइन होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन। लेकिन आपको इतना सोचना ये भी नहीं है, आपको ये सब भी नहीं सोचना है, आपको तो छोटी सी बात है कि जो कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन बनेगा उस कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के हम क्या करेंगे, सबसेट्स बनाएंगे। उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, सबसेट बनाएंगे नहीं, बने हुए आएंगे, उनके जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सब क्या होंगे, उसके रिलेशन होंगे। बस आपको ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में ये भी काम नहीं आएगा। आपके तो क्वेश्चन में पूछा आपको क्या जाएगा, आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड, सॉरी आपको क्या शो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, ये आपको पूछा जाएगा, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब हमारे पास क्लियर होना चाहिए था, तो हमने उनको क्लियर कर लिया है। अब क्या पढ़ते हैं, रिलेशन। आप सबको पता चल गया कि एक कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन के जितने सबसेट बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे आपके पास, रिलेशन हो जाएंगे। एक मिनट, है ना, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, रिलेशन हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या क्या है, हमें कौन कौन से पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे नल, नल रिलेशन, नल रिलेशन। सेकंड वन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो बस ऐसे ही पढ़ने हैं और कुछ नहीं है। नल, यूनिवर्सल एंड इक्विवेलेंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमें तीन रिलेशंस पढ़ने हैं, कौन कौन से, नल रिलेशन, यूनिवर्सल, या इसको बोलते हैं जीरो रिलेशन भी बोल सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल, और थर्ड हमारे पास कौन सा है, इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं नल रिलेशन की। नल रिलेशन मतलब जो नल, आप समझ गए होंगे, है ना, एम्प्टी मतलब जिस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे ए से में कोई डिफाइन है और उसका एक जैसे ये कोई रिलेशन है, आर इज डिफाइंड बाय दिस, ये जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब जो मैंने क्या कहा था कि आपके पास जो रिलेशंस होते हैं वो क्या होता है, कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन का सबसेट। और वी नो दैट द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है वो सबका क्या होता है, सबसेट होता है। तो एक तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, एक नल सेट हमें मिलना ही है, क्यों, एक सबसेट क्या होता है, उसका नल होता है, और एक वो खुद भी होता है। याद करो, जैसे अभी हमने ए बार आप पढ़ा था, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो इसके सबसेट क्या थे, पहला सबसेट क्या था, नल, उसके अंदर एक एक एलिमेंट वाले, ये उसके अंदर दो दो एलिमेंट्स वाले सबसेट, और उसके अंदर तीनों के तीनों एलिमेंट वाले, ऐसे ये इसके क्या होगा, सबसेट। तो आपको पता है कि कोई भी सेट होगा, वो भले ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हो या ऐसे एक एक एलिमेंट्स में हो, तो उसका जो नल सेट जो होगा वो तो हमेशा उसका क्या होगा, कोई ना कोई वो सबसेट होगा ही होगा। और एक वो खुद एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, कि एवरी सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट। तो ये खुद अगर एक भी एलिमेंट ना है तो वो तो क्या हो जाएगा आपके पास, नल रिलेशन। और अगर उसके अंदर वो सारे के सारे जो कार्टेशियन जो उसका कार्टेशियन मल्टीप्ली है बिल्कुल पूरा का पूरा वापस वही आ गया, तो वो आपके पास क्या हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, लेकिन बस ऐसे मैंने बता दिए दोनों को, बुक में दे रखे हैं इसलिए नाम दे रखे हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं है इन पे दोनों पे, लेकिन बस ऐसे ही, है ना। अब इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास है इक्विवेलेंस। तो कोई भी रिलेशन जो आपके पास होता है वो इक्विवेलेंस कब होता है वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिलेशन जो है वो आपके पास इक्विवेलेंस कब होता है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे बताएंगे कोई भी रिलेशन आपके पास जो है वो कौन सा है, इक्विवेलेंस है। तो ध्यान से देखना, बहुत इजी है, सुनो, कोई भी रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस कब होता है। देखो इसके तीन रिलेशन और होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, मैं समझा दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक। थर्ड आपके पास कौन सा? ट्रांजिटिव। अगर कोई भी सेट क्या होता है, अगर रिफ्लेक्सिव भी है, अगर कोई सेट जो है वो आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, आपके पास सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो हम कहते हैं कि वो आपका जो रिलेशन है वो कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो अपने आप में कोई रिलेशन नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो अपने आप में कोई रिलेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है किन के ऊपर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन, एक रिलेशन आपके पास है, अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्स, अभी मैं बताऊंगा रिफ्लेक्सिव कैसे पता करेंगे, अगर वो क्या हो गया, अगर वो रिफ्लेक्सिव हो गया, वो सिमेट्रिक भी हो गया और वो ट्रांजिटिव भी है, तो हम कहेंगे कि वो रिलेशन जो है वो कौन सा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस होगा। अगर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो लेकिन ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो और ट्रांजिटिव हो, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस के लिए तीनों होने कंपलसरी है। वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों हो रहे हैं तो हम कंफर्म कहेंगे कि आपका जो रिलेशन है वो कौन सा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब सुनो जरा, अब इस रिलेशन को बताने में दो तरीके से बताऊंगा तीनों रिलेशन को। कैसे? पहले तो केवल समझने के बेसिस पे, लैंग्वेज के फॉर्म में, फिर हम इनको पढ़ेंगे मैथमेटिकली। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दोनों को अच्छे से समझेंगे तभी हम, दोनों तरीके हमें पता होंगे तभी हम क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव मतलब होता है खुद का कनेक्शन खुद के साथ। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य, है ना। स्व मतलब अपना, तुल्य मतलब बराबर। तो जो अपने ही बराबर होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब जिसकी रिफ्लेक्शन मिलती हो वैसे की वैसे, आपकी रिफ्लेक्शन जो आपकी बिल्कुल वैसे की वैसी होती है। तो अगर कोई भी सेट जो एलिमेंट है वो खुद से कनेक्टेड है, अभी बस सुन लो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको समझने की जरूरत है, दिमाग एकदम, बस एक बार आपको ये कि सर बोल रहे हैं हमें अपने आप समझ में आएगा, बस ऐसा सोच के आप बैठेंगे क्लास में तो आप रियल में बहुत अच्छा सीख पाएंगे। अब बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ओहो इसका मतलब क्या हो गया, ओ खुद से मतलब क्या करूं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते रहो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी नहीं, अभी तो हम क्या, आज तो उसको मैं यहीं पे ओवर करना पड़ेगा कुछ देर के अंदर, और अगली क्लास के अंदर जब मैं इनको अच्छे से आपको बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ में, तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा जैसे अभी तक समझ में आया है ना। तो सुनो जा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो अगर खुद से भी कनेक्टेड है, किसी रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है, खुद से कनेक्टेड है, तो वो एलिमेंट जो होता है वो कौन, सॉरी वो रिलेशन जो होता है वो कौन सा होता है आपके पास? रिफ्लेक्सिव। क्या कहा मैंने? खुद का, खुद के साथ अगर रिलेशन बना हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। अब ये कैसे बनेगा, ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा कैसे बनेंगे। बस अभी मेरी बात को सुनो और उनको दिमाग में बैठा लो कि रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है आपके पास मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब आपकी इमेज कौन है जो मिरर के अंदर है, और मिरर, मिरर वाले की इमेज कौन है? आप हैं। तो ए का बी से जो रिलेशन है, मेरी बात को सुनना बहुत इजी है, ए का बी के साथ जो रिलेशन है, अगर वही रिलेशन बी का ए के साथ भी है, क्या बोला मैंने? ए का बी के साथ अगर कोई रिलेशन है तो वही रिलेशन अगर बी का भी ए के साथ में है तो वो रिलेशन जो होगा वो आपका वो क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा। रिफ्लेक्सिव में क्या था? खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में क्या है? अगर ए का बी के साथ कोई रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ वही रिलेशन होना चाहिए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या होता है? ये ना, ये ट्रांसफर करता है, ट्रांजिटिव कंटेजियस होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे अभी बात करते हैं, अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है ना, तो जैसे मान लो तीन पर्सन आपके पास है, ए बी और सी, है ना, तीन है आपके पास ए तीन आपके पास कौन कौन ए बी और सी ए बी और सी दिख रहे हैं क्या? प्रॉब्लम आएगी क्या दिखने में? डार्क कलर ले लेते कोई, है ना, ओके ये ले लेते हैं, ठीक है।
तीन है आपके पास, ए बी और सी। तो मान लो बी को ए से कोरोना हुआ है, बी को जो ये कंटेजियस होता है आपको पता है, तो बी को जो है वो ए से कोरोना हुआ है और सी को बी से हुआ है। ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है। एक बी को ए से हुआ है और सी को बी से हुआ है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सी को जो कोरोना ट्रांसफर हुआ है वो किससे हुआ है, ए से हुआ है। ए का बी के साथ कोई रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो वही रिलेशन अगर ए का सी के साथ भी है तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। वो रिलेशन कौन सा होता है, ट्रांजिटिव। तो देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन। जैसे मैं बोल रहा ना आपको वही लैंग्वेज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगी ये सब चीजें। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखा होगा लेकिन ये चीजों को बोलेंगे ऐसे तो आपको क्लियर अच्छे से होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या था, खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना। और सिमेट्रिक में क्या है, अगर ए बी से कोई, ए का बी के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन अगर बी का ए के साथ में भी है तो वो आपके पास रिलेशन कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव मतलब ए का बी के साथ कोई रिलेशन है, बी का सी के साथ कोई रिलेशन है, तो ए का भी सी के साथ वही रिलेशन होना चाहिए, तो हम कहते हैं कि वो आपके पास कौन सा होगा, वो आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से अगर जल्दी से समझाना चाहूं तो आप देखें, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आप बोर्ड पे देखें क्या, अ फंक्शन ए रिलेशन इज डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज अ ब्रदर ऑफ एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। ऐसे ये कोई रिलेशन आपके पास डिफाइन है कि एक्स इज अ ब्रदर ऑफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, है ना। x क्या है, y का भाई है, आपको ये है। अब आपको बताना है कि जो रिलेशन आपके पास डिफाइन है वो क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं, आपको ये बताना है। आपको क्या बताना है कि ये जो रिलेशन मैंने बोर्ड पे लिखा है वो रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो मेरी बात जो मैंने आपको बताई थी, एक बार अगर आप वापस उसी को एक बार सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो बोला था वो क्या है, है ना। मैंने क्या कहा था आपको कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में हम लिख सकते, रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं कि खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, वाई की जगह पे भी एक्स रख के देखेंगे, खुद का खुद से ना, तो वाई की जगह पे भी आप क्या रख के देखेंगे, एक्स रख के देखेंगे और देखेंगे स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स वाई की जगह पे भी आपको क्या रखना है, खुद का खुद से रिलेशन, तो वाई की जगह भी आप क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे, वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स से, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ब्रदर ऑफ एक्स, एक्स एक्स का भाई है। कोई खुद का भाई हो सकता है क्या, कोई खुद का भाई हो सकता है क्या। जैसे हम बोल दें कि किसी कोई अपने घर में इकलौता है, अब उसको स्कूल में हम पूछे भी उसको, हाँ कि तुम कितने भाई हो, कि सर हम तो दो भाई हैं, तो दोनों के नाम क्या है, कि पहले का राहुल दूसरे का भी राहुल, वो कैसे, कि सर मैं ही मेरा भाई हूं, ऐसा हो सकता है क्या, कि कोई खुद का भाई पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि रिलेशन जो है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, वाई की जगह पे भी आप एक्स रख देते हैं और फिर उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अगर वो स्टेटमेंट आपको ट्रू लगता है तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अभी तो बहुत ईजी सा एग्जाम्पल हमने लिया है। अगला सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करते हैं, ए का बी से जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए, तो एक्स वाई का भाई है तो क्या y भी x का भाई होगा क्या, x y का भाई है तो क्या y भी x का भाई होगा क्या, हो सकता है। क्यों हो सकता है, कि y x की बहन भी हो सकती है ना, सिस्टर भी हो सकती है, लेकिन हम बॉयज स्कूल मान लेते हैं कि बॉयज, x और y दोनों क्या है, बॉयज है, दोनों बॉय है ना। तो अब x y का भाई है, मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, a का b से जो रिलेशन है वही रिलेशन b का a से होना चाहिए, तो क्या है, x y का भाई है तो क्या y भी x का भाई होगा क्या, बिल्कुल होगा। राम श्याम का भाई है तो क्या श्याम भी राम का भाई है, बिल्कुल भाई है। इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में, सॉरी रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया, y की जगह पे भी x रखो और क्या करो, स्टेटमेंट को पढ़ो सही है क्या। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है,
एक तो दिया गया स्टेटमेंट है ही, फिर उनको इंटरचेंज करके पढ़ो, ए का बी के साथ तो बी का ए के साथ। एक्स वाई का भाई है तो क्या वाई भी एक्स का भाई है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा आपके पास? सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर बात आई ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? ए का बी से कोई रिलेशन है, बी का सी से वही रिलेशन है, तो ए का भी सी के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। तो एक्स वाई का भाई है, मेरी बात को सुनना, एक्स एक्स जो है वो वाई का भाई है, वाई जो है वो जेड का भाई है, एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, तो क्या एक्स जेड का भाई होगा क्या? एक्स जेड का भाई होगा क्या? बिल्कुल होगा, है ना। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई है, तो एक्स भी जेड का भाई होने वाला है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपके पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ गया? अब मैं इनकी डेफिनेशन नीचे लिख देता हूं, बस लास्ट ये लिखेंगे जो आपको एक बार याद कर लेनी है, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैं रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब खुद आर मतलब रिलेशन, ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए का बी के साथ कोई रिलेशन है, ए का बी के साथ रिलेशन, इसका मतलब बी का भी ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर ए का बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, वो हम आगे पढ़ लेंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ए का बी के साथ कोई रिलेशन है एंड बी का सी के साथ कोई रिलेशन है, ए का बी के साथ रिलेशन है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है, तो क्या होना चाहिए? तो ए का बी सी के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अपना ध्यान रखना, थैंक यू।